नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। सुबह 8 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया हुई शुरू। आज बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा हो जाएगी। वहीं सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके बाद आज यह फैसला हो जाएगा कि बिहार को बतौर मुख्यमंत्री 15 साल से अपनी सेवा दे रहे नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार एक बार फिर बनेगी या बिहार की जनता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। हालांकि जानकारों की माने तो सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतगणना के रुझान 9 बजे से आने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले बैलेट वोटों की गिनती की गई है, इसके बाद ही ईवीएम से निकले वोटों की गिनती की गई। मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को खोला गया और एक एक वोट की गिनती शुरू करवाई गई है। हालांकि वोटों की गिनती के लिए मतदान कर्मियों को पहले प्रशिक्षण दिया जा चुका था, साथ ही कोरोना को लेकर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मतगणना केंद्रों को वोटों की गिनती के पहले, इसके दौरान और बाद में इन्हें सैनिटाइज करने की व्यवस्था भी दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के 1:30 बजे तक आए रुझान में एनडीए को मिली बढ़त। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा आज होने वाली है। वहीं सुबह से लगातार वोटों की गिनती जारी है। इसी क्रम में 1:30 बजे तक आए रुझान के अनुसार एनडीए को बढ़त मिलते दिखाई गई है, यानी कि अभी तक एग्जिट पोल के अनुमान गलत साबित हो रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार एनडीए 134 सीटों से आगे है, वहीं महागठबंधन 98 सीटों से आगे है। इसके साथ ही अन्य के पक्ष में 11 सीटों पर बढ़त दिखाई गई है। बिहार में टला बड़ा ट्रेन हादसा। बिहार के खगड़िया में बदला धामरा घाट के बीच बागमती नदी स्थित पुल संख्या 51 पर सोमवार की दोपहर ट्रेन हादसा टला। चालक ने इमरजेंसी ब्रेक अगर नहीं लगाया होता तो कई लोगों की जान जा सकती थी। ट्रेन परिचालन वाले रेल पुल संख्या 51 पर लोगों और वाहन चालकों ने आवाजाही का रास्ता बना रखा है। सोमवार को मां कात्यायनी मंदिर से पूजा अर्चना कर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल चलकर इस पुल से पार कर रहे थे, उसमें एक बाइक के सवार भी शामिल था। इसी बीच पुल के सामने ट्रेन आती दिखी और पैदल चल रहे श्रद्धालु के बीच अफरा तफरी मच गई। वहीं रास्ता नहीं होने के कारण बाइक सवार ने बाइक छोड़कर वहां से निकलना सही समझा। वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र नगर से सहरसा की तरफ आ रहे इंटरसिटी स्पेशल एक्सप्रेस के आगे क्रेचर में बाइक जा फंसी और भीड़ और बाइक को फंसा देखकर चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। उसके बाद बाइक नीचे गिरकर पुल के पाया में फंस गई और झूलने लगी। परिणाम से पहले एनडीए ने बनाई रणनीति। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के पहले सत्तारूढ़ एनडीए ने संभावित परिस्थितियों के मुताबिक अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। एग्जिट पोल अनुमानों के बाद से ही परोक्ष रूप से विभिन्न स्तरों पर गैर एनडीए उम्मीदवारों के संपर्क स्थापित करना शुरू किया जा चुका था, जिसमें वो नेता शामिल है जिनके चुनाव जीतने की संभावनाएं ज्यादा है। एनडीए के नेताओं का दावा अपने बहुमत का है, लेकिन अगर नतीजों में एनडीए बहुमत से कुछ सीट दूर रहती है तो जोड़ तोड़कर अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है। एग्जिट पोल अनुमानों के बाद चिंता तो है, लेकिन उसके नेताओं का मानना है कि नतीजे इस तरह के एकतरफा नहीं होंगे। भाजपा सूत्रों की माने तो चुनाव नतीजों के अनुसार सभी तरह की संभावनाएं तलाशी जा रही है, इसके लिए पार्टी स्तर पर काम जारी है। परिणाम आने से पहले मनोज झा पहुंचे राबड़ी आवास। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है। इसी बीच एग्जिट पोल के अनुभवों से राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ता आत्मविश्वास और उत्साह में नजर आ रहे हैं। इसी बीच वोटों की गिनती के बीच राबड़ी आवास पर उनसे मिलने राजद प्रवक्ता मनोज झा पहुंचे। हालांकि आवास पर जाने से पहले मीडिया से बातचीत भी उन्होंने की, जहां पर उन्होंने कहा कि बिहार कभी भी नेक टू नेक नहीं करता, एक तरफा परिणाम देता है। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार को पूरे देश को संदेश देना है। हालांकि मीडिया के अन्य सवालों को उन्होंने टाल दिया। कंधे पर बैग लटकाकर वो सीधे राबड़ी आवास के अंदर गए। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे सच्चिदानंद सिन्हा की। सच्चिदानंद सिन्हा पेशे से एक राजनीतिज्ञ, वकील, लेखक और जर्नलिस्ट थे, जिनका जन्म बिहार के आरा जिले में 10 नवंबर 1871 को हुआ था। उनकी पढ़ाई कलकत्ता के पटनी और सिटी कॉलेज में हुई थी। बैरिस्टर बनने के लिए उन्होंने लंदन से कानून की पढ़ाई की। लंदन से लौटने के बाद सिन्हा ने बिहार के एक अलग प्रांत के लिए एक आंदोलन शुरू किया, जिसमें अन्य लोगों का एक छोटा समूह था। इसका एहसास 1912 में बिहार और उड़ीसा प्रांत के गठन के साथ हुआ। सिन्हा ने अपने करियर की शुरुआत 1893 में एक वकील के रूप में कलकत्ता उच्च न्यायालय में की थी। बाद में उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 1896 और पटना उच्च न्यायालय में 1916 से अभ्यास शुरू किया था। अपने प्रारंभिक वर्षों में सिन्हा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। 1899 से 1920 तक सचिव के रूप में एक पद पर रहे। उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन में भाग लिया था। कांग्रेस बिहार में जीतने वाले विधायकों को राजस्थान और पंजाब भेजने की तैयारी में। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले ही कांग्रेस के विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश शुरू है, जिसके तहत पार्टी ने सभी उम्मीदवारों को निर्देश दिया है कि अगर चुनाव में जीतते हैं तो उन्हें फौरन वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में आना होगा। किसी भी तरह की आशंका से बचने के लिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को राजस्थान और पंजाब भेजने की तैयारी भी कर ली है।
विधानसभा चुनाव में राजद कांग्रेस गठबंधन को जीत का पूरा भरोसा है। एग्जिट पोल भी कुछ उसी तरफ इशारा कर रहे थे। इसके साथ ही कांग्रेस किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती है। पार्टी की जिम्मेदारी संभाल रहे केंद्रीय नेताओं को पटना भेज दिया गया है ताकि चुनाव परिणाम के बाद पैदा हुई स्थिति से फौरन निपटा जा सके। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि सभी उम्मीदवारों से कहा गया है कि वो जीत के बाद सभी प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला से संपर्क करेंगे। प्ले बोर्ड पर नहीं दिखा वोटिंग की काउंटिंग। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के दरमियान कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए काउंटिंग टेबल पर भीड़ कम करने के प्रयास को झटका लगा है। काउंटिंग टेबल पर प्रत्याशियों के एजेंटों की भीड़ को कम करने के लिए डिस्प्ले बोर्ड से सूचना देने की तैयारी की गई थी, लेकिन कार्य एजेंसी NICSI इस व्यवस्था में नाकाम रही। चुनाव आयोग ने सभी जिलों को इसकी सूचना देते हुए काउंटिंग टेबल पर बैठने की व्यवस्था बनाने का आदेश दिया है। चुनाव व्यवस्था बनाने की कोशिश भी की गई थी कि ईवीएम के नतीजे देखने के लिए प्रत्याशियों के एजेंट को टेबल के पास खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़े। हालांकि एन मौके पर बात नहीं बनी। इसका लाभ यह होता कि प्रत्याशियों के एजेंट विधानसभा के काउंटिंग टेबल पर जमा नहीं होते, लेकिन NICSI यह व्यवस्था करने में नाकाम रही। चुनाव परिणाम के पहले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने जारी किया बयान। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने परिणाम से पहले ही अपना बयान जारी करते हुए मुख्यमंत्री के पद पर तेजस्वी यादव की जीत सुनिश्चित बताई है, जिसके तहत उन्होंने प्रेस से बात करते हुए कहा कि हम सरकार में हिस्सेदारी तय करने में नहीं सरकार बनाने में लगे हैं। भाजपा और जदयू की तरह हमने कभी हिस्सेदारी की बात नहीं की, किसी पद पर चर्चा नहीं की। टिकट बंटवारे के समय भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, पर सब कुछ आसानी से तय हो गया। सरकार गठन में भी कोई परेशानी नहीं है। सुरजेवाला ने बहुमत आने पर उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर भी अपना बयान जारी किया है। हालांकि उप मुख्यमंत्री पद पर कांग्रेस की दावेदारी होगी या नहीं, इस बात पर चर्चा आने वाले समय में होगी। परिणाम से पहले चिराग पासवान लोजपा प्रत्याशियों के लिए जारी किया उन्होंने गाइडलाइन। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा आज हो जाएगी। वहीं परिणाम से ठीक पहले बीते दिन लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने पार्टी के स्तर पर मतगणना को लेकर कई तरह की तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही सभी पार्टी पदाधिकारियों से तैयारी की स्थिति की भी जानकारी ली। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने आवास पर कई प्रमुख पदाधिकारियों से मुलाकात कर कई दिशा निर्देश भी जारी किए। पार्टी के आला अधिकारियों को कहा गया है कि वो प्रत्याशियों से संपर्क में रहे, उन्हें पूरी मदद करे, मतगणना प्रतिनिधि को सभी आवश्यक जानकारी दे, किसी को कहीं भी कोई दिक्कत अगर महसूस होती है तो उसे तत्काल दूर करवाया जाए। इतना ही नहीं, मतगणना से संबंधित जानकारी भी टीम को दे दी गई है। अगर किसी मतगणना केंद्र पर किसी तरह की गड़बड़ी अथवा अन्य कोई शिकायत होती है तो टीम के माध्यम से इसकी जानकारी चुनाव आयोग को दे दी जाएगी। इधर पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भी राज्य पदाधिकारी जमे रहेंगे। शिवसेना ने परिणाम आने से पहले की तेजस्वी की तारीफ। परिणाम अब बस कुछ ही घंटे में सामने आ जाएंगे। हालांकि अब बिहार की राजनीति किसके हाथ में जाएगी, इस बात पर भी फैसला होगा। वहीं परिणाम आने से पहले ही बयानबाजियों का दौर जारी है, जिसके तहत अब शिवसेना की तरफ से तेजस्वी की तारीफों के पुल बांधे गए हैं, जिसके तहत संजय राउत ने बयान जारी करते हुए कहा है कि अब बिहार में मंगल राज की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि एक युवा लड़का जिसने कल ही अपनी जिंदगी के 30 साल पूरे किए हैं, वो बिहार में जिस तरह से टक्कर दे रहा है, ये आने वाली राजनीति के लिए अच्छे संकेत है। 15 साल से तो नीतीश कुमार की ही सरकार थी, तो कौन सा मंगलराज था। तेजस्वी के नेतृत्व में मंगलराज शुरू होगा। लालू आवास के बाहर मछली लेकर जुटे राजद समर्थक। बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के लिए मतगणना सुबह से जारी है। हालांकि रुझानों ने एग्जिट पोल के आंकड़ों को अभी तक गलत साबित कर दिया है। वहीं परिणाम आने से पहले ही राजद समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला, और यही कारण है कि राजद प्रत्याशी सुबह से ही खुशनुमा अंदाज में नजर आए। इतना ही नहीं, कई प्रत्याशियों ने तो लालू आवास के बाहर भीड़ जमा करनी भी शुरू कर दी। समस्तीपुर से आए समर्थक तो अपने साथ साथ मछली भी लेकर आए थे। समर्थकों ने बताया मिथिलांचल में मछली काफी शुभ मानी जाती है और आज का दिन हमारे लिए काफी अहम और खास है और हमारी सरकार का बनना तय है। कंगना रनौत ने की अर्णब गोस्वामी की रिहाई की मांग। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से निशाने पर लिया है, जिसके तहत अर्णब गोस्वामी को हिरासत में लिए जाने की बात पर सवाल उठाए हैं। कंगना ने एक के बाद एक कई ट्वीट जारी कर अर्णब को पकड़े जाने पर आपत्ति जताई है। उनका मानना है कि अर्णब को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने चैनल पर महाराष्ट्र सरकार को लेकर कई बातें कही है। कंगना ने लिखा कि मेरे और अर्णब जैसे लोग अपनी सक्सेस और पॉपुलैरिटी एंजॉय करने की जगह हम दुनिया के खिलाफ जा रहे हैं और उनके लिए लड़ रहे हैं। अगर बदले में हमें, मैं इंडियन हूं और मैं अर्णब को सपोर्ट नहीं करता, ये मिल रहा है, तो याद रखिएगा कि आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री डिजर्व करते हैं, जो कि दुनिया की सबसे भ्रष्ट सोसाइटी है। वही कंगना ने एक और ट्वीट में लिखा है कि यह सत्ता के ठेकेदार गरीबों का हक मारकर जो बैठे हैं, यह किस्मत के मारे हमसे पूछते हैं, यह इरादे हमारे, हमको इस लड़ाई में क्या हासिल होगा। तानाशाह एक घर बनाया था, वो भी तोड़ बैठे हैं। #WeWantArnabBack।
आज आखिरी मुकाबला दिल्ली और मुंबई के बीच आईपीएल का यह सीजन का अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, जिसके बाद अब आज इस सीजन का विजेता मिल जाएगा। जहां मुंबई पहले ही टीम में जगह बनाने में कामयाब रही, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की टीम ने अपनी जीत सुनिश्चित कर आईपीएल के सीजन में दूसरी फाइनलिस्ट बनने में सफल हो पाई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, खेले गए दूसरे क्वालिफायर मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर हैदराबाद की टीम को 17 रनों से हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। दोनों टीम आज आखिरी बार फाइनल मुकाबले में एक दूसरे से भिड़ेगी। जहां दिल्ली की टीम इस साल के इस खिताब को अपने नाम दर्ज करने की आज कोशिश करेगी, वहीं मुंबई की टीम एक बार फिर से अपने जीत के रिकॉर्ड को कायम रखने की कोशिश करेगी। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 85 लाख के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 38,073 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 85,91,730 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 448 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,27,059 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है, जिस तरह से बीते कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें, भारत में अब तक कुल मिलाकर 79,59,406 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब भारत में 5,05,265 सक्रिय मामले बचे हैं। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में जनता का फैसला किसके पक्ष में आएगा? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दोबारा ना भूलें। धन्यवाद।